नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग यू ऑल। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग यू ऑल। हर हर बुगली, घर घर बुगली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारी को लेकर के और निरंतर प्रयास कर रहे होंगे और बहुत अच्छा परिश्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों देखो, मैं यही कह सकता हूं कि मेहनत करो। दुनिया जुल्म करती रहेगी, लेकिन दुनिया के जुल्म को माइंड में हावी ना होने दें और आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको यही सलाह दे सकता हूं। एक विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर, 80-20 पर आप उस टाइम जब एम्स ऋषिकेश की तैयारी, कंबाइंड एम्स की तैयारी आप करवा रहे थे, तब तो आपने कहा था कि आप बिल्कुल साथ नहीं देंगे, और आपने आज साथ कैसे दिया, राइट? तो देखो दोस्तों, मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए, राइट? उस समय अगर हम इस मसले को लेकर के और बैठ जाते और पढ़ाई नहीं करते, तो हो सकता था कि हमारा एग्जाम बिगड़ जाता। उस समय जो मुझे उचित लगा मैंने किया, आज जो मुझे उचित लगा, जो मेरा दिल कह रहा है वो मैंने किया, राइट? और हर चीज का एक सही सही समय जरूर आता है। हर कार्य को करने का एक सही समय आता है, बस हमें उसका इंतजार करना होता है सही समय का। और सही समय के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो अक्सर सफल होते हैं, ऐसा मेरा प्रीवियस अनुभव कहता है। समय से पहले अगर किसी चीज को पाने की कोशिश करोगे तो उसका परिणाम हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होगा। इसलिए हमें हर चीज को, हर कार्य को एक सही समय पर शुरू करना चाहिए और अवसर देख करके ही उस कार्य को किया जाना चाहिए। उस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आप सबको चाहे डांट करके, फटकार करके, कैसे भी करके, पढ़ाई पे आप सबको कंसंट्रेट करवाना, क्योंकि सिर पे एग्जाम था, 7 दिन बाद ही पेपर था। और 7 दिन में हम कौन सा तीर मार लेते उस समय पे, कि और हम वो एग्जाम भी बिगाड़ देते हैं जो हम 7 दिन बाद ही देने जा रहे हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा उचित यही था मेरे लिए कि आप सबको कैसे भी करके और पढ़ाई के मार्ग पर लाया जाए। और अब मैं आप सबको कह रहा हूं कि आपके पास अब सफिशियंट समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का भी और इस तरह के छोटे मोटे मसले सोल्व करने का भी। तो हम सब साथ मिलकर के करेंगे, और फीमेल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब भी इसमें, जो आज मेल नर्सेस हैं, उन सब का साथ दें। आप बिल्कुल भी इस चीज की परवाह ना करें कि आपके साथ कुछ गलत होगा। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सबको समान अधिकार हैं और हम सब इसी तरह से कहते आ रहे हैं कि हम सबको पढ़ने के, शिक्षा के समान अधिकार हैं। तो समान अधिकारों के लिए ही ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हम सबको ऐसी मनमानी रोकनी है दोस्तों। कल से यदि अगर 80% फीमेल्स या 20% मेल एम्स के अंदर जाते हैं, तो फीमेल्स के ऊपर मनमानी भी की जा सकती है। यदि अगर आपके साथ आपके मेल साथी होते हैं जॉब पर भी या कहीं नाइट ड्यूटी पे भी, तो आपको एक विश्वास होता है कि आपके साथी हैं, आपको साथ जरूर देंगे। आपको सेफ्टी फील होती है, सिक्योरिटी फील होती है जब आपके साथी मेल आपके साथ होते हैं। तो वही सेफ्टी सिक्योरिटी को देखकर मेरा मन भी ऐसा कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी फीमेल्स के साथ फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जो हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर। तो हमें इन परिस्थितियों से पहले ही निमटना होगा और हम सबको इसको आगे बढ़ाना होगा, तो कहीं हमारी फीमेल्स के साथ ऐसी कोई समस्याएं फ्यूचर में पैदा ना हो। अंडरस्टैंड? तो क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे मेल हो और फीमेल हो, मुझे दोनों का, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स का भला करना है। और मेल फीमेल हमारे लिए कुछ नहीं होता है, हमारे लिए देखो स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो जो हमारी क्लास में आके बैठ गया वो हमारे लिए एक स्टूडेंट है, चाहे वो 20 साल का हो या 50 साल का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। हमारे लिए ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कोई मैटर नहीं करता है। मेरे पास
एक्स सर्विसमैन भी पढ़ते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, उनकी एज करीब 40-35 साल, 40 साल होती है, वो लोग भी सेलेक्ट होते हैं, वो लोग भी आप ही के साथ बैठ करके पढ़ते हैं। तो वो जब एडमिशन लेने आते हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि देखो दोस्तों, अगर कुछ बनना है तो एज वगैरह कोई मैटर नहीं करती है, या आपका स्टेटस कोई मैटर नहीं करता है, राइट, कि आप घर पे कितने आलीशान फैसिलिटी में रहते हैं, लेकिन क्लास की जो फैसिलिटी होगी वो सबके लिए समान होगी। अस्टेंट, या आपका कोई क्या जेंडर है, आप मेल है या फीमेल है, आगे बैठते हो या पीछे बैठते हो, कहीं भी बैठो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपका मन करे, आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करो। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय पे सबको एक जैसा फैसिलिटी हो, सबको एक जैसा हक हो, सबको पढ़ाई शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, शिक्षा के भेदभाव को मिटाना ही मेरा लक्ष्य है, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो सकता है, और बाकी आप सबके साथ की उम्मीद करता हूं कि जैसा आदेश, जैसा गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से, वो आप सबको फॉलो करना है। क्योंकि देखो, बुगली आगे आया है, बुगली वैसे तो पढ़ाई के अलावा और कोई बातें बहुत ही कम करता है, तो अगर बुगली आगे आया है तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा मकसद होगा, बहुत बड़ी कहानी होगी, और हमें इस कहानी को सोल्व करना है, इस पजल को सोल्व करके ही दम लेना है, हमें शांत नहीं बैठना है। और मैं आप सब से परिश्रम की, आप सब से कॉपरेशन की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता हूँ, और मेरा आप सब से ये ट्रस्ट है कि कम से कम वो स्टूडेंट्स तो मेरी बात मानते हैं जो मेरे चैनल पे पढ़ते हैं, जितने लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट मेरे विपरीत कभी नहीं जाएगा, ऐसा एक डिल्यूशन मेरे मन के अंदर है, राइट। मुझे इतना डिल्यूशन तो है कि हाँ भाई, मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब मेरे आदेश का पालन करते हैं, और मैं जो उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो सब बातें मानते हैं, चाहे वो फीमेल से और मेल से। आपको जानकर के शॉकिंग होगा कि जब मैंने AT20 का वीडियो यहाँ से रिलीज किया तो उस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने वाली भी फीमेल्स ही थी, और फीमेल्स ने ही सबसे ज्यादा कॉपरेट किया है, राइट। तो आप ये बिल्कुल भी अपने माइंड से, अगर मेल भी सुन रहे हैं तो अपने माइंड से निकाल दें कि फीमेल्स का कॉपरेशन नहीं मिलेगा, फीमेल्स ने ही उस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर किया है, और ट्वीट भी मेरे कहने पर काफी ज्यादा फीमेल्स ने, गर्ल्स ने ट्वीट किया है, तो गर्ल्स ने बहुत ज्यादा ट्वीट किया है, राइट। तो आप सबको भी आगे बढ़ाने में फीमेल्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा, इस जो 80-20 वाला जो एक मुद्दा है, इस मुद्दे को सोल्व कराने में फीमेल्स का भी बहुत बड़ा ही रोल रहेगा। तो आप ये बात भी बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि फीमेल्स का कॉपरेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल कॉपरेशन मिलेगा, मेरा भी और सारे बुगली के स्टूडेंट्स, एक फैमिली के स्टूडेंट्स से, एक फैमिली के मेंबर्स से। और मैं हमेशा से सिखाता आया हूँ कि चाहे आप ऐप चला रहे हो, ऐप पर भी अगर जब आप हो तो ऐप में भी अगर किसी को पढ़ाई में भी कोई तकलीफ है तो मदद करो, या और भी किसी तरह की कोई भी तकलीफ है तो हम सबको उसकी हेल्प करनी है, मदद करना है। जब तक हम मदद वाला, हेल्पिंग वाला नेचर अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे दोस्त, तब तक हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे इस जिंदगी के सफर में तो अगले ही कदम पे आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी की मदद करी होगी तो आपको वहां उस जगह मदद मिलेगी। अगर आपने मदद की ही नहीं कभी अपनी जिंदगी में, तो जब आप जिंदगी के सफर में आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पर मदद की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने कभी किसी की मदद नहीं की, उसको सही गाइडलाइन आपने नहीं दिया पढ़ने में, उसको सही मार्गदर्शन नहीं दिया, किसी भी प्रकार की मदद हो हमेशा हमें करना है, क्योंकि हम अब सब एक परिवार के, एक प्रोफेशन के, एक तरह के लोग हैं, और हम सबको मिलकर के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, सही दिशा में लेके जाना है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आप सबको, जो मेरा विजन है इस प्रोफेशन को लेकर के, इस प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को लेकर के, वो मेरा विजन जो है बहुत ही प्योर है, और मैं उस विजन को आप सबके साथ ओपनली इसीलिए शेयर करता हूं ताकि आप समझें, दूसरे लोगों को समझाएं, आप एक दूसरे को कन्वेंस करें, एक दूसरे को जोड़ो, साथ करो, सब बिखरे हुए हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ मिलके ये लड़ाई को जीतना है, क्लियर है? आशा करता हूँ ये छोटी सी बात जो मैंने आज आपके सामने रखी है, इसके पीछे मेरा मकसद यही था कि आप सबको बताया जाए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्लियर है दोस्त? चलिएगा, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं दोस्त, किसी क्लाइंट को,
प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर द इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी। आइए जानते हैं क्या होता है ईएमजी। तो आज हमारे पास दोस्त ऐसा पेशेंट एडमिट है जिसको यस थैंक यू करिए। आप गर्ल्स को जितना धन्यवाद दे सकते हैं आप इन्हें धन्यवाद दीजिएगा। इन सब का बहुत बड़ा साथ रहा। मैं खुद कह रहा हूं कि इन सब ने बहुत ज्यादा ट्वीट किया है और मेरी वीडियो को भी सबसे ज्यादा शेयर करने वाली फीमेल्स ही हैं, राइट। और मेरी जितनी भी पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उस पे सबसे ज्यादा कमेंट भी गर्ल्स के ही होते हैं, सबसे ज्यादा लाइक और शेयर भी गर्ल्स के होते हैं, राइट। अब मुझे पता नहीं है कि बॉयज क्यों नहीं करते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं, आई डोंट नो। करते भी हैं, बहुत सारे लोग काफी अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे सपोर्ट मिलता है वो फीमेल्स का मिलता है। आई अंडरस्टैंड, और ये मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि जो है सो है, राइट। ये आप लोगों के लिए भी मैंने अभी ऑर्डर करी है, बन करके पहुंच जाएगी। आप थोड़ी देर में वेट करो, 5 मिनट में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्त। आज अपने पास ऐसा पेशेंट एडमिट है जिसको या तो कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है या फिर उसको पेरिफेरल न्यूरो डिसऑर्डर है। पेरिफेरल न्यूरो डिसऑर्डर या मस्कुलर डिसऑर्डर, तो इस डिसऑर्डर वाले क्लाइंट को हम एक जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी और इसे शॉर्ट में ईएमजी कहते हैं। दोस्त होता क्या है, नॉर्मली क्लाइंट्स के अंदर जैसे ही नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होते हुए कहां पहुंचते हैं, मसल्स के अंदर। और मसल्स में पहुंचने के बाद वो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन पैदा करते हैं। तो मसल्स के अंदर जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे से होकर के और इम्पल्स आता है, तो इम्पल्स आते ही और वो मसल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, मसल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, एक मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की मसल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। देखो, इससे दो बात पता चलेगी कि या तो मसल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर अब हमें पता चल सकता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, या फिर दिक्कत हो सकती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर, कि यार नर्व जो है वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है लेकिन वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से ट्रांसमिट होकर मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहे। तो ये ही जांच हम करना चाहते हैं कि एक तो मसल्स की स्ट्रेंथ जानने के लिए और दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पेरिफेरल नर्व्स के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए अपन को ये इन्वेस्टिगेशन करना है। बात समझ गए, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस तरह से मसल्स के अंदर होता है। तो जैसे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पीएनएस से यहां से इम्पल्स जनरेट होते हैं। इम्पल्स जनरेट होकर के कहां पहुंचते हैं, मसल्स तक। तो ये नर्व है। अब नर्व और मसल्स के बिटवीन में जो जंक्शन होता है दोस्त, इसको कहते हैं एनएमजे, एनएमजे जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब हम आज इस जांच के माध्यम से ऐसे डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं जिसमें या तो मस्कुलर डिसऑर्डर है और या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड कोई डिजीज है, जिससे कि मसल्स में इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो रहा हो। तो दोस्त जैसे ही यहां से एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट आता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम से ये मसल्स में पहुंचता है, तो मसल्स में एक बहुत माइल्ड अमाउंट का करंट जनरेट हो जाता है और उस माइल्ड अमाउंट के करंट को ही हम इस इक्विपमेंट, इस मशीन के माध्यम से हम मेजर करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, क्या होता है ये लेक्चर, किस तरह से हम करते हैं। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड द नर्व सप्लाई देम बाय इंसर्टिंग स्मॉल निडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द मसल्स। आइए दोस्त, हम क्या करने वाले हैं, जो कंसर्न मसल, जिस मसल के अंदर हमें ईएमजी करना है, जिस मसल का, उस मसल के अंदर हम क्या करेंगे, स्मॉल नेडल इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ईएमजी के, वो बिल्कुल दिखने में ऐसे होते हैं जैसे निडिल होती है,
तो निडल इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करने वाले हैं, उस मसल के अंदर इंसर्ट करेंगे जिस मसल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मेजर करना चाहते हैं। तो स्मॉल निडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द मसल इंसर्ट कर दिया। दोस्तों अब हम क्या जांचना चाहते हैं, तो इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू द स्केलेटल मसल्स और द नर्व सप्लाइंग देम। तो इस जांच के माध्यम से उन स्केलेटल मसल्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उनको सप्लाई करने वाली नर्व्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम किससे जानेंगे? स्मॉल निडल इलेक्ट्रोड्स इंसर्टेड इनटू द कंसर्न्ड मसल एंड दिस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसे कहते हो दोस्त क्या? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। आ गई बात समझ में यहां तक? आइए जानते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। तो ये आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें ये ट्रांसड्यूसर है और ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, लीड्स कनेक्ट की हुई है, और इस मसल के माध्यम से हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी इस पेशेंट का करेंगे। इसकी और इमेजेस में दिखाता हूं आपको। तो ये जो मसल है, इस मसल में हमने ये निडल इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया हुआ है। निडल इलेक्ट्रोड दिखने में ऐसे होते हैं, ये इंसर्ट कर दिया मसल के अंदर और फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमायोग्राफी रीडिंग कैप्चर किया है। ये मॉनिटर पर इस तरह का शो होगा। इस इक्विपमेंट का, इस मॉनिटर का नाम अभी मैं थोड़ी देर बाद ही आपको दिखाऊंगा। देखिए ये भी इमेज क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये दो तीन तरह के इमेज जो आपको दिखा रखे हैं, ये इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि एग्जाम में आपको हर तरह का कंफ्यूजन दूर किया जा सके। तो क्लियर, आगे बढ़ता हूं। क्या इंडिकेशन होते हैं, जैसा कि मैंने बोला था अभी आपको, कि मस्कुलर डिसऑर्डर और या फिर पेरीफेरल नर्व डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए ही हमें क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने की। तो आइए जानते हैं। दो, सबसे पहला है टू डायग्नोस द मायस्थेनिया ग्रेविस। अब हम जानते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आने वाला डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी नर्व इंपल्सेस प्रॉपरली मसल्स तक ट्रांसमिट नहीं होते हैं, इस डिजीज को कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। ये क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, यदि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम एसिटाइल कोलिन होता है, यदि अगर एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से प्रॉपरली नर्व से इम्पल्स मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसलिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर डिक्रीज हो जाती है। इसे मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस जब कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए और डायग्नोसिस पूछा जाए इसका, तो याद रखना इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मायस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस किया जाता है। दूसरा, टू फाइंड आउट द पेरिफेरल नर्व इंजरी और डिजीज। पेरिफेरल नर्व इंजरी और डिजीज कैन बी ऑल्सो डायग्नोस्ड बाई यूजिंग दिस टेक्निक। डिफरेंशिएट द अमंग लीजेंस ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल, रूट, प्लेक्सिस और स्पेसिफिक नर्व एंड मसल्स। दोस्तों टू डिफरेंशिएट द अमंग लीजेंस ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल, रूट प्लेक्सिस एंड डिजीज स्पेसिफिक नर्व एंड मसल्स। थैंक यू सो मच। चाय बहुत अच्छी थी, कैसी लगी आप लोग भी बताइए। चाय कैसी लगी आप लोगों को? ठीक है, राइट। तो देखिएगा, अब जब हम देखते हैं दोस्तों स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर, तो स्पाइनल कोड की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कोड। बाकी आप याद रखो, उसमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स होती हैं, रूट्स प्लेक्सस होते हैं और स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं और मसल्स होती हैं। इन सब के डिफरेंशिएट करने के लिए, इनके लीजेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप
इस जांच का यूज करते हो टू मेजर द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ नर्व्स। इस ईएमजी के द्वारा नर्व्स के अंदर कंडक्शन वेलोसिटी को भी मेजर किया जा सकता है। टू एड इन द डिफरेंशिएट डायग्नोसिस ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी मसल्स डिसऑर्डर सच एज द मोटर न्यूरोन डिजीज एंड द न्यूरोवेस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। टू लोकलाइज द साइट ऑफ पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर सच एज द रेडिक्यूलोपैथी और एक्सोनोपैथी। तो रेडिक्यूलोपैथी और एनोक्सोपैथी दोनों को ही सर्च मार लेना नेट पर कि क्या मीन्स होता है, आपको अच्छे से इनके डायग्राम्स मिल जाएंगे और समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंट इंडिकेशंस, जो इंडिकेशंस हम बता रहे हैं ईएमजी वाले क्लाइंट्स को, तो सिंपली इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं दोस्त? तो सिंपली इंडिकेशंस में हम यही कहेंगे कि पेरिफेरल डिसऑर्डर हो या फिर मस्कुलर डिसऑर्डर हो, कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द ईएमजी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रीडिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला हम कहते हैं कि कंडीशन कैन वेरी विद द एज। दोस्त, उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स का स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है और इसलिए इसके जो एज के साथ हम देखेंगे मसल्स का कंडक्शन वो कम हो जाता है, एक यंग मसल से और एक ओल्ड एज मसल से। तो दोनों की जो ईएमजी रिपोर्ट होगी उसमें सिमिलरिटी नहीं होगी, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो होता है मसल्स की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो नॉर्मली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द एज, पेन कैन बी एल्ड फॉल्स रिजल्ट। दूसरा जो इंटरफेयरिंग फैक्टर होता है दोस्त ईएमजी रिपोर्ट में, वो होता है पेन। याद रखना, यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा टेस्ट के अंदर। ओके, इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी एक्टिविटी फ्रॉम द एक्सट्रनस पर्सन और ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस द फॉल्स रिजल्ट। अब जो ईएमजी रिपोर्ट होती है दोस्त, वो बहुत सेंसिटिव, ईएमजी की जो जांच होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और खासकर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि मसल्स में बहुत माइल्ड करंट जनरेट होगा, बहुत माइल्ड। अब इस समय ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो क्या होती है कि इस समय आसपास में जो मसल्स है उसके आसपास कोई ना तो दूसरा व्यक्ति उस मसल को टच कर रहा हो, याद रखना, या फिर ना ही कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उस मसल के आसपास होना चाहिए। तो उस मसल में जिसमें ईएमजी किया जा रहा है उसके आसपास कोई बाहर से एक्सट्रनस इलेक्ट्रिक सोर्स या एक्सट्रनस पर्सन नहीं होना चाहिए, वरना उससे क्या होगा, जो मसल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव है क्योंकि काफी माइल्ड करंट हम मसल के अंदर देखते हैं, जनरेट होता है। ओके, तो याद रखना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम एक्सट्रनस पर्सन और सोर्स या ऑब्जेक्ट, सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स स्पेशली, सोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉल्स रिजल्ट। बाहर से कोई व्यक्ति अगर मसल को टच कर रहा है या कोई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट आसपास से, तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। द टेस्ट इज इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ द एडिमा, हेमरेज और थिक सबक्यूटेनियस फैट। जिस मसल का ईएमजी हम करना चाहते हैं, यदि अगर उस मसल की साइट जो है एक्सटर्नस, उस पर एडिमा हो रहा हो या फिर हेमरेज हो रहा हो या फिर वहां पर काफी मोटा थिक सबक्यूटेनियस फैट है, तो फ्रेंड्स वी नो दैट कि जो रीडिंग हमें मिलेगा वो सही नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ईएमजी रीडिंग को अफेक्ट करते हैं? तो यहां पर क्वेश्चन पुट अप होगा फैक्टर्स में से, जहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर एज पहला फैक्टर है, पेन दूसरा फैक्टर है, एक्सट्रनस पर्सन या ऑब्जेक्ट थर्ड फैक्टर है, और सबक्यूटेनियस फेट, एडिमा या हेमरेज, दे आर इंटरफेयरिंग फैक्टर इन द ईएमजी रिपोर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आइए जानते हैं प्रोसीजर करते हैं। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट और ऑब्टेन इनफॉर्म कंसेंट। स्ट्रक पेशेंट दैट टेस्ट में टेक मोर देन 3 आवर, यानी कि टेस्ट करने में लगभग टाइम, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि यूजुअली कितना समय लगता है ईएमजी करने में, तो आप बता देना कि सर यूजुअली 3 घंटे का समय लगता है। टेल द पेशेंट टू लाई डाउन सुपाइन इन द बेड। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि ईएमजी के लिए कौन सा पोजीशनिंग पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, तो सुपाइन पोजीशन।
Then explain to the patient that may experience discomfort during insertion of the needle electrode and there may be hematoma formation after removal of the needle. Ascertain that patient is not an anticoagulant. Then a needle anticoagulant because prevent the risk of developing hematoma. Okay. Then a needle is attached to an electrode. Electrode से electrode needle attach कर दीजिएगा and insert it into the muscle. अभी बताऊंगा इसका diagram. A mild electric charge is delivered to stimulate the muscle. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट आपको मसल को देना है ताकि मसल उससे क्या हो जाए स्टिमुलेट हो जाए. देन ड्यूरिंग द वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन डिलीवर्ड एट द स्टिमुलेट द मसल एट द रेस्ट एंड ड्यूरिंग द वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन द रेस्पॉन्स ऑफ मसल इज मेजर्ड ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन. अब याद रखना ऑसिलोस्कोप स्क्रीन क्लियर है. द इलेक्ट्रोड यूजुअली कॉजेस नो पेन अनलेस द टिप इज नियर अ टर्मिनल नर्व. टेन ऑफ द मोर देन ऑफ द मोर नीडल इंसर्शन मे बी नेसेसरी. ये देन है यहां पर. देन यदि अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है दोस्त वो होना चाहिए नर्व एंडिंग के नजदीक. अगर नर्व के अंदर प्रिक कर दिया तो फिर पेन हो सकता है लेकिन अगर नर्व के नजदीक के आसपास है तो उससे कोई दर्द नहीं होता है. अब यहां पर जो बात आती है तो हमें जो रिकॉर्डिंग मिलेगी जो रिजल्ट मिलेगा जांच मिलेगी वो मिलेगी दोस्त किससे ओसिलोस्कोप से. आइए जानते हैं क्या होता है ओसिलोस्कोप. ओसिलोस्कोप को हिंदी में कुछ ऐसा कहते हैं दोलन. फिजिक्स यहां से आपको थोड़ा सा जाननी पड़ेगी. दोलन इसको इक्विपमेंट कहते हैं दोलन इक्विपमेंट ऑसिलोस्कोप. ये क्या करता है जान लीजिएगा बच्चों. ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो बहुत ही माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट को वेव्स के अंदर कन्वर्ट करता है. वेव्स लाइंस में बदल देता है तो वेव्स या लाइंस में बदल करके और ये हमें दिखा देगा स्क्रीन पर. ठीक है यानी ये ग्राफ बनाएगा इस तरह का. ओके स्क्रीन पर. तो ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो बहुत माइल्ड करंट को भी किसमें कन्वर्ट कर देगा वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वेव्स में कन्वर्ट करके और स्क्रीन पर इस तरह की वेव्स आपको नजर आ जाएगी. अंस्टीन इस तरीके से ऑसिलोस्कोप काम करता है. तो यदि अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट यूज में ली जाती है तो याद रखना इसका नाम ऑसिलोस्कोप. ओके The nurse and physician observe the oscilloscope for the normal waveform and listen for the normal quiet sound at the rest. दोस्त ऑसिलोस्कोप से जब हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर रहे होते हैं तो ऑसिलोस्कोप एक क्वाइट बहुत हल्की सी साउंड भी जनरेट करता है. उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको. क्या साउंड होती है वो किस तरह की साउंड होती है आइए सुनते हैं. तो ये साउंड होता है अ मशीन गन पॉपिंग साउंड. अ मशीन गन पॉपिंग साउंड या साउंड और द रैटिंग साउंड. किस तरह का रैटलिंग साउंड और हेल ऑन अ टिन रूफ. हेल ऑन अ टिन. हेल क्या होते हैं. हेल होते हैं ओले. क्या होते हैं ओले. सुना है आपने ओले जानते हो. अरे जानते हो क्या गधों. ओले जानते हो क्या. ओले ओले जानते हो तुम लोग. बोलो भाई ओले सुना है. ओले जानते हो कैसे होते हैं. ओले देखे क्या. देख रखे ना ओले. ओले देख रखे. तो जब ओले एक जो टिन वाली छत होती है चद्दर होते हैं ना चद्दर. चद्दर जानते हो छत पे जो टिन लगे होते हैं. या कार होती है कार की जो रूफ है छत है उस पे जब ओले गिरेंगे या टिन वाली छत पे ओले गिरेंगे उससे जो साउंड पैदा होगी ना
वैसी साउंड बहुत माइनर अमाउंट में, बहुत माइनर फ्रिक्वेंसी में ईएमजी के दौरान ऑसिलोस्कोप से जनरेट होती है, याद रखना। तो किस तरह की साउंड जनरेट होती है याद रखना, हेल ऑन अ टिन रूफ इज अ नॉर्मली हियर्ड व्हेन अ पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट द मसल। मसल में कॉन्ट्रेक्शंस के कारण जो ऑसिलोस्कोप में साउंड जनरेट होता है वो सब इस तरह का साउंड होता है, हेल ऑन अ टिन रूफ। क्लियर है? आइडेंटिफाई द मसल एक्टिविटी, इससे पता चलता है इस साउंड से कि मसल्स में जो है वो एक्टिविटी हो रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। देन रिकॉर्ड द टाइम डेट ऑफ द प्रोसीजर विद द पेशेंट्स रिस्पॉन्स, ओके, और डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा। पोस्ट प्रोसीजर केयर देखिएगा दोस्त, इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज पर फिजिशियन ऑर्डर, प्रमोट द रेस्ट और रिलैक्सेशन, इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट और मॉनिटर अप्रोप्रिएटली फॉर द नर्व एंड मसल डिजीज, ऑब्जर्व द निडल साइट फॉर द हेमाटोमा फॉर्मेशन, स्पेशल कंसिडरेशन देखिएगा एंजाइम लेवल दैट रिफ्लेक्ट द मसल एक्टिविटी। अब ये काफी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। पहला एंजाइम याद रखना एस्पर्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेस, एस्पर्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेस लिवर एंजाइम है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस दूसरा नाम है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस थर्ड, मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर द एक्चुअल टेस्टिंग। कौन सा टेस्ट आपको, कौन से एंजाइम टेस्ट आपको कंफर्म करना होता है ईएमजी से पहले, तो ये तीनों एंजाइम्स के नाम याद रखना। बिकॉज द ईएमजी कॉजेज एलिवेशन ऑफ दीज एंजाइम फॉर अप टू 10 डेज पोस्ट प्रोसीजर। ईएमजी के बाद लगभग 10 दिनों तक कौन कौन से एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है? तो प्रश्न दो टाइप से किया जा सकता है, या तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ईएमजी से पहले कौन से एंजाइम्स या कौन सी लेबोरेटरी रिपोर्ट आपको करनी है, तो आप कह देंगे एंजाइम्स का लेवल। कौन कौन से एंजाइम्स का लेवल, तो तीनों एंजाइम, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन अगर बनेगा इन फ्यूचर कभी, तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि ईएमजी के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी एलिवेटेड, तो इन्हीं में से तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल आपको मिल सकता है और आपको पता होना चाहिए कि ईएमजी के बाद इनका लेवल बढ़ता है, क्योंकि मसल्स में जैसे ही प्रिक करते हो तो मसल्स में सेल जो है वो रप्चर होती है और इन एंजाइम्स को रिलीज हो जाता है और इनका लेवल बढ़ता रहता है। देयर मे बी द हेमाटोमा फॉर्मेशन एट द निडल साइट, मेजर सच एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एट द साइट कंट्रोल द ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द निडल, इफ पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन रिमूव द निडल बिकॉज द पेन स्टिमुलस एल्ड द फॉल्स रिजल्ट। क्लियर है दोस्त? तो थैंक यू सो मच, ये था आपका एक छोटा सा प्रोसीजर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो एक तो पोजीशनिंग वाला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, दूसरा कौन से डिसऑर्डर्स को ये डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं, मसल्स में किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, कौन सा इक्विपमेंट यानी ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को वेव्स में कन्वर्ट करता है, ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है, क्या किस तरीके से कौन सी निडल्स वगैरह इलेक्ट्रोड्स वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। कौन से एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते समय, अंडरस्टैंड? एनपीओ वगैरह की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शंस भी ऐसे डाले जा सकते हैं, अंडरस्टैंड? तो आई होप यू अंडरस्टैंड ना, बात समझ में आ गई है। इसके बाद बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई गैप के लास्ट क्लास जो हमारी है वो है मेमोग्राफी। आपको आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं कभी भी अपना काम पेंडिंग नहीं छोड़ता, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरी क्लासेस ऑफ हो गई किसी कारणवश, और उससे मुझे बहुत लेक्चर्स पीछे छूट गए मेरे, काफी नुकसान हुआ है, और ये लेक्चर सब मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा आपके, अंडरस्टैंड? तो आप अभी इसके बाद ही दूसरा लेक्चर अटेंड करने के लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद जो लेक्चर है वो बिना कोई गैप के 5 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी क्लास, तो आ जाइएगा उधर जल्दी से। थैंक यू सो मच, लव यू डिया, टेक केयर।
या सुषमा जी, मैंने भी बहुत मिस किया आपको। संदीप सीकर, थैंक यू सो मच डियर, लव यू।